दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से दोस्तों YouTube हमारे इंडिया में ग्रो हुआ है, उससे दोस्तों YouTube और YouTube क्रिएटर को दोनों को फायदा हुआ है, और साथ ही दोस्तों काफी सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। अब चाहे दोस्तों आप बात करें भुवन बाम या फिर दोस्तों अमित बड़ाना या फिर दोस्तों आशीष चंचलानी की, और दोस्तों हाल ही में YouTube पर सबसे तेजी से ग्रो करने वाले कैरी मिनाटी को दोस्तों आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने दोस्तों अपना टैलेंट YouTube के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया। हालांकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सारे यूट्यूबर के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बल्कि दोस्तों YouTube पर ही उभरते हुए कॉमेडियन और YouTube स्टार हर्ष बेनीवाल के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी वीडियो दोस्तों हमें अक्सर ट्रेंडिंग टैब में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों हर्ष बेनीवाल एक पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी काम करने का मौका मिला। और दोस्तों इसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम हर्ष बेनीवाल के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों हर्ष बेनीवाल की कहानी शुरू होती है 3 फरवरी 1996 से, जब दोस्तों उनका जन्म दिल्ली के पीतमपुरा में हुआ। हर्ष के अलावा दोस्तों उनके परिवार में एक मम्मी पापा और उनके बहन भी है, जिनका नाम दोस्तों प्रिया है, और दोस्तों वो भी एक फैशन ब्लॉगर है। और अगर दोस्तों हर्ष की शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दोस्तों वह उन्होंने महाराजा अग्रसेनी स्कूल से की। और दोस्तों बताया जाता है कि हर्ष बचपन से ही अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी की वजह से जाने जाते थे, और दोस्तों यही वजह थी कि उसे स्कूल में होने वाले ड्रामा में अक्सर परफॉर्मेंस करते हुए देखा जाता था। हालांकि दोस्तों उन्होंने पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हुए स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद श्री अरविंदो कॉलेज न्यू दिल्ली में बीए की पढ़ाई के लिए एडमिशन तो ले लिया, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उन्होंने मन बदलते हुए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीसीए करने का फैसला लिया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ हमेशा कुछ न कुछ एंटरटेनिंग करने के बारे में सोचते थे, और फिर दोस्तों उन्हें उसी समय डब मैस एप्लीकेशन के बारे में पता चला। दरअसल दोस्तों 2015 के समय काफी फेमस इस एप्लीकेशन में डबिंग और दोस्तों लिप मैसिंग जैसे कई सारे फीचर थे, और दोस्तों उस समय यह ऐप लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस था। और फिर दोस्तों यही सब देखते हुए 3 मई 2015 को हर्ष ने भी इस एप्लीकेशन पर वीडियो बनाकर अपलोड करने शुरू कर दिए, जिनमें से दोस्तों कुछ डबिंग और दोस्तों कुछ खुद की बनाई हुई वीडियो थी। हालांकि दोस्तों हर्ष जब किसी लड़की का किरदार निभाकर अपने व्यूअर को हंसाते थे, तब दोस्तों उस टाइम उनके आसपास के लोगों ने उनका काफी ज्यादा मजाक भी बनाया, लेकिन दोस्तों तब हर्ष ने उनके ताने न सुनते हुए अपने फैशन को ही फॉलो किया, और फिर दोस्तों आगे चलकर उन्होंने अपनी कॉमेडी वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों उन्हें दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और फिर दोस्तों उन्होंने अपना वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी बनाया, और उसके बाद दोस्तों फिर वहां भी उन्होंने अपने वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी हर्ष के वीडियो ज़्यादा लोग तक नहीं पहुँच पा रहे थे, और दोस्तों इसी टेंशन में उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के बीच से भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके थे। और फिर दोस्तों आखिरकार उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम के बारे में अपने घर वालों को बताया, और फिर दोस्तों हर्ष ने अपनी मम्मी पापा से अपने दिल की बात बताई, और उन्होंने कहा कि हमें पढ़ाई लिखा में मन नहीं लग रहा है, और वे अपना करियर एक वीडियो क्रिएटर और अपने कॉमेडियन के रूप में बनाना चाहते हैं। और फिर दोस्तों उनके घर वालों ने भी यह कह दिया कि जैसा तुम्हें मन करे वैसा ही करो। और फिर दोस्तों हर्ष ने आगे चलकर अपना बीसीए को भी सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हर्ष ने अपने कॉलेज को सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप कर दिया ताकि दोस्तों अपने वीडियो क्रिएशन को पूरा टाइम दे सके। यहाँ तक कि दोस्तों हर्ष की मम्मी भी घर में उनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया करती थी, और दोस्तों शुरुआत के समय में उन्होंने हर्ष के कैमरे को हैंडल करने में काम किया करती थी। और दोस्तों फुल टाइम हर्ष ने अपने वीडियो को देने के बाद अपने कई सारे नए नए आइडिया को ढूंढने और स्क्रिप्ट राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने में लगे रहे, और दोस्तों धीरे धीरे उनकी मेहनत भी सफल होती हुई दिखाई दी। और दोस्तों हर्ष के शानदार मेहनत को देखते हुए एक बड़े इंस्टाग्राम पेज ने अपने होम पेज पर फीचर किया, और फिर दोस्तों उसके बाद हर्ष के वीडियो लोगों तक काफ़ी तेजी से फैलने लगे, और फिर दोस्तों उनके फॉलोवर उनके यूट्यूब चैनल तक भी पहुंच चुके थे। और फिर दोस्तों देखते ही देखते हर्ष ने अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। अब दोस्तों हर्ष बेनीवाल के यूट्यूब चैनल पर इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं कि अब भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर और वीडियो क्रिएटर के रूप में गिना जाता है। और दोस्तों इन सब के अलावा 2019 में रिलीज हुई मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी अपनी एक्टिंग की झलक लोगों तक दिखाई। उसके साथ ही दोस्तों हर्ष बेनीवाल हु इज योर डैडी नाम की एक वेब सीरीज में भी अपना लोहा गरवा चुकी है। अब दोस्तों लॉकडाउन के समय में हर्ष बेनीवाल ने हर्ष बेनीवाल 2.0 नाम का भी एक चैनल शुरू किया, और दोस्तों इस चैनल को भी लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, और दोस्तों यही वजह है कि उनके ये चैनल ने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा काफी जल्दी पार कर लिया। तो दोस्तों यह थी हर्ष बेनीवाल की कहानी, जिन्होंने दोस्तों अपने पैशन को फॉलो करते हुए यह दिखाया कि आप किसी भी चीज को दिल से थाम लो तो इसमें आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि दोस्तों उनको भी पता चले हर्ष बेनीवाल के बारे में कुछ बातें। बाकी अगर दोस्तों आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।